Hello friends, welcome back to my channel, and today we are going to study one of the topics of mathematics of class 10th, that is arithmetic progression. So let's get started. So guys, आज हम पढ़ेंगे कि arithmetic progression क्या होता है. And it is one of the important topics of for class 10th. So arithmetic progression एक sequence होता है numbers का, जिसमें कि next term depend करता है previous term पे. So sequence of numbers क्या होता है? तो sequence of numbers मतलब कि numbers का series, numbers एक series में लिखे गए हैं. बहुत सारे नंबर्स सीरीज़ में लिखे गए, मीन्स एक के बाद दूसरा नंबर, फिर उसके बाद तीसरा नंबर. तो ऐसे ही सीरीज़ में नंबर लिखे गए हैं, जिसमें कि जो अगला टर्म होगा, दैट इज़ द नेक्स्ट टर्म इन दैट सीरीज़ और सीक्वेंस, वो डिपेंड करता है अपने पिछले वाले टर्म पे, कि पिछले वाला टर्म क्या था, उस पर आगे वाला टर्म डिपेंड करता है. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी वही है, ये एक नंबर्स का सीक्वेंस है जिसमें कि नेक्स्ट टर्म डिपेंड करता है प्रीवियस टर्म से. सो व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस प्रोग्रेशन? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस सीरीज या इसके जो सीक्वेंस होते हैं नंबर्स में, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो एक कॉन्स्टेंट होता है. मीन्स अगर हमारे पास 10 नंबर्स सीक्वेंस में लिखे गए हैं, तो उसमें हर दो लगातार आने वाले नंबर्स, दो लगातार आने वाले नंबर्स का अगर मैं डिफरेंस करती हूँ, मीन्स उनको मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ, तो जो एक नंबर आएगा वो एक फिक्स्ड नंबर होगा, और वो फिक्स्ड नंबर सेम रहेगा पूरी सीक्वेंस के लिए. मीन्स आप कोई से भी दो नंबर्स को लीजिए, लेकिन वो लगातार होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि पहला नंबर लिया और तीसरा नंबर लिया, ऐसा नहीं. मतलब आपने पहला और दूसरा नंबर लिया, या दूसरा या तीसरा या चौथा या पांचवा, ऐसे करके आप कोई से भी दो नंबर्स लीजिए और उनका आप डिफरेंस फाइंड कीजिए, तो आपको एक फिक्स नंबर मिलेगा. मींस वेदर यू सब्ट्रैक्ट टू फ्रॉम वन, और वेदर यू सब्ट्रैक्ट थ्री फ्रॉम टू, यू विल गेट द सेम नंबर. सो फिक्स नंबर. सो दैट इज़ अ स्पेशल थिंग अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और इसी को ही हम यूज़ करके फाइंड भी करते हैं कि क्या कोई सीरीज या क्या कोई सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं. एंड एपी इज़ द शॉर्ट फॉर्म दैट वी यूज फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सिंस इट्स अ लॉन्ग नेम. सो समटाइम्स इन द क्वेश्चंस इट इज़ रिटन एपी. ओके, सो डोंट गेट कन्फ्यूज. सो लेट्स सी व्हाट आर द सम सिंबल्स एंड टर्म्स यूज्ड इन एपी. सो लेट्स सी. तो हम एपी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सो हाउ डू वी रिप्रेजेंट एपी, और हाउ डू वी गेट टू नो कि एक्चुअली अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज एन एपी? तो मैथमेटिकली हाउ एन एपी इज रिप्रेजेंटेड, तो एपी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखिए. ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी कॉमा ए प्लस थ्री डी डॉट 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 टिल ए प्लस एन माइनस वन डी. तो यहाँ पे जो मैंने सीरीज लिखी है वो एन नंबर्स के लिए लिखी है. मीन्स इफ़ यू सपोज एनी नंबर, जैसे कि मैं 10 बोलूँ, तो मैंने 10 नंबर्स की सीरीज़ लिखी है, बट यहाँ पे मैंने एन नंबर की सीरीज़ लिखी है. अब वो नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5, 10, एनी नंबर. तो मैंने जर्नल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे लिखा है कि किसी भी एन नंबर के लिए हमने कैसे लिखनी है एपी को. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्म से. तो फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं ए. ओके, नेक्स्ट टर्म इज ए प्लस डी, देन अगेन नेक्स्ट टर्म इज ए प्लस टू डी, एंड सो ऑन. तो आपने यहाँ क्या देखा कि फर्स्ट टर्म को तो मैं ए लिखती हूँ, ए पी का जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म इज रिप्रेजेंटेड एज ए. ओके, देन इफ यू सी द सेकेंड टर्म, यहाँ पे एक और टर्म को ऐड किया गया है, दैट इज डी. नाउ व्हाट इज डी? तो डी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. नाउ इन द प्रीवियस स्लाइड आई आर डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्स्टेंट, दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन ए पी इज़ अ कॉन्स्टेंट, कि दो लगातार आने वाले जो नंबर्स होते हैं उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक फिक्स्ड वैल्यू आती है. तो ये डी भी वही कॉमन डिफरेंस है कि जैसे जैसे आप सीरीज में आगे बढ़ते हैं, मैंने क्या बोला कि ए पी क्या होती है, ए पी का नेक्स्ट टर्म उसके पिछले टर्म पर डिपेंड करता है. इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो सेकेंड टर्म है वो डिपेंड कर रहा है अपने पिछले वाले टर्म पर, दैट इज़
सेकेंड टर्म इज वॉट, ए प्लस डी, एंड वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे मैंने इसमें एक एक वैल्यू ऐड करी है, दैट इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, दैट इज डी. ओके, ऐसे ही थर्ड टर्म डिपेंड कर रहा है अपने पिछले वाले टर्म पे, दैट इज ए प्लस डी, एंड उसमें मैंने डी को ऐड किया है तो इसलिए 2d हो गया. ऐसे ही फोर्थ टर्म डिपेंड कर रहा है थर्ड टर्म पे, अपने पिछले वाले टर्म पे, ए प्लस 2d प्लस डी. सो नाउ यू कैन सी कि एवरी प्रीवियस टर्म कैन बी यूज टू रिटर्न द नेक्स्ट टर्म. सो नेक्स्ट टर्म डिपेंड कर रहा है अपने प्रीवियस टर्म पे. सो हेयर डी इज द कॉमन डिफरेंस. ये कॉमन डिफरेंस है जो कि पूरी सीरीज में सेम रहता है. हर दो लगातार आने वाले नंबर्स का जो डिफरेंस होता है वो डी होता है, दैट इज द कॉमन. और अगर आपको किसी भी एक जनरल टर्म को अगर आपको फाइंड करना है, लाइक इफ यू वॉन्ट टू फाइंड एनी टर्म ऑफ द ए पी, लेट्स से nth टर्म, तो हाउ टू रिप्रेजेंट दैट nth टर्म, वी रिप्रेजेंट टी n as nth term of the AP. Okay, so this is how we represent an AP in mathematics. So let's see its example. So for example of arithmetic progression, I take a very very simple example, that is the counting number. So we do counting from 1, right? So maine natural numbers ka set liya, that is 1 2 3 4 5 6 till infinity. To kya ye AP hai? Now you guess, is it an AP? Well, I would say yes, but how? Let's see. So, the counting numbers, that is the series of counting numbers starting from 1, 2, 3, 4, ye ek AP hai. Yes, it is an arithmetic progression. Now, why is it an arithmetic progression? Because now remember the definition of arithmetic progression. I said that arithmetic progression is the sequence of numbers where the next term depend on its previous term. Right? Toh yahan pe agar aap dekho, toh first term agar ye AP hai, right? Toh first term iska kya hai? 1, hai na? तो सेकेंड टर्म इज 2, थर्ड टर्म इज 3, फोर्थ टर्म इज 4, एंड सो ऑन. तो अगर आप देखो, मैंने बताया कि एपी को फाइंड कैसे करते हैं. एपी को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक टेक्निक जो मैंने बताया था जो कि एक स्पेशल थिंग होती है अबाउट एन एपी, इज दैट कि इसके हर दो लगातार जो नंबर्स आते हैं, दैट इज एवरी टू कॉन्जिक्यूटिव और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऑफ एपी, राइट? इफ वी फाइंड द डिफरेंस ऑफ देम, then we get a constant term and that remains same throughout the series. तो एक constant term मुझे मिलेगा अगर मैं किसी भी दो लगातार numbers को मैं subtract करती हूँ. तो मैंने क्या किया, इसी को ही प्रूफ करने के लिए कि क्या सच में ये AP है, मैंने starting के चार numbers लिए हैं. ओके, T1 that is 1, ओके T2 that is 2, T3 that is 3, T4 that is 4. तो मैंने क्या किया कि दूसरे number को पहले वाले number से subtract किया और तीसरे नंबर को दूसरे वाले से किया, क्योंकि मुझे दो लगातार लेने हैं, राइट? तो दूसरा पहले से एंड देन तीसरा दूसरे से. तो T2 माइनस T1 व्हाट इज दैट, 2 माइनस 1 इज 1, एंड T3 माइनस T2 सेम, 3 माइनस 2 दैट इज 1. सो नाउ यू सी कि मैंने दो लगातार टर्म्स को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे सेम ही वैल्यू मिल रही है, मुझे एक कॉन्स्टेंट वैल्यू मिल रही है, दैट इज 1. तो ये कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या बन गई, ये कॉमन डिफरेंस बन गई. नाउ इफ देयर इज अ कॉमन डिफरेंस, सो डेफिनेटली ये एक एपी होगी. या इट हैज अ कॉमन डिफरेंस, क्योंकि अगर आप कोई भी दो नंबर्स लेते हो तो कोई भी दो नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा. 2 माइनस 1 इज 1, 3 माइनस 2 इज 1, 4 माइनस 3 इज 1, 5 माइनस 4 इज 1. तो हर दो लगातार नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या है, 1. सो यस, इट इज एन एपी, क्योंकि द नेक्स्ट टर्म डिपेंड ऑन इट्स प्रीवियस टर्म. दैट इज, जैसे कि अगर इसका फर्स्ट टर्म 1 है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इसका सेकंड टर्म क्या होगा. अगर मुझे कॉमन डिफरेंस पता होगा तो मैं सेकंड टर्म फाइंड कर सकती हूँ. तो मुझे यहाँ पे पता है कि कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस 1 है. तो मैं क्या करूँगी, जो फर्स्ट टर्म है उसमें मैं कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूंगी तो मुझे सेकंड टर्म मिल जाएगा. दैट इज व्हाट, 1 प्लस 1 इज 2. अब मेरे पास सेकंड टर्म आ गया, ठीक है. अब मेरे को चाहिए थर्ड टर्म, तो कैसे पता चला, अगेन कॉमन डिफरेंस की हेल्प से. सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं, 2 प्लस 1 3. सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड एवरी नेक्स्ट टर्म बाय यूजिंग द प्रीवियस टर्म. ओके, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन.
आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल एंड एंजॉय द वीडियो थ्रू आउट. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून मी विद मी लाइक दिस. टिल देन टेक केयर. बाय.